मिनट कम से कम जोर से करना है, सुन लिया बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये भस्त्रिका हुआ, एक मिनट से लेके पांच मिनट तक। और कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ना। क्या नाम है इस प्राणायाम का बोलो? कपालभाति। कपाल बोलते हैं माथे को, भाति बोलते हैं दीप्ति को, ओज को, तेज को, शाइनिंग को, ग्लो को, नेचुरल ब्यूटी को। कपाल मानी माथा। जो कपाल भाति करेंगे उनका चेहरा चमकेगा, जैसे मैं कभी कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता। कुछ लोग क्या लगाते हैं चेहरे पर, ये विदेशी कंपनियों ने लूट खसोट के सामान तैयार कर रखे हैं, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा गोरी नहीं होता। नहीं होते। तो चेहरा चमकता है कपाल भाति से। फिर इसे लीवर, इसे स्प्लीन, इसे इंटेस्टाइन, इसे पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, इसे लॉन्ग हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, सारे इंटरनल ऑर्गन्स इससे एनर्जाइज हो जाते हैं। श्वास को बाहर छोड़ो, चलो लगातार करो पांच मिनट तक। ये तो सबको करना है। इसका नाम फिर से बोलो बच्चों, क्या नाम है इस प्राणायाम का? कपाल भाति। जो कपाल भाति करेंगे कभी जीवन में मोटे नहीं होंगे, उनको कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना, इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। किसी का इतनी बार होता है, बार बार साफ होता है, उसको कोलाइटिस कहते हैं। ये छोटे बच्चों को ही बीमारियां होने लगी आजकल। एक बच्चा छूट मेरे पास आया, दस आठ दस साल का, उसकी हाथ, उसकी टांगे ऐसे एक एक डेढ़ डेढ़ इंच की, पूरा कोलाइटिस हो गया। जो कपाल भाती करेंगे उसको कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस नहीं होगा, उसको जिंदगी में कभी डायबिटीज नहीं होगा। बताओ, ये सारी बीमारियां आजकल बहुत हो रही है, डायबिटीज, बीपी, शुगर, थायराइड और पता नहीं लीवर किडनी की समस्याएं बहुत होती हैं। जो कपाल भाति करेंगे उनको कभी हार्ट अटैक, आजकल तो कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक, ऐसे आप देख रहे हैं, कोई डांस कर रहा था उसको हार्ट अटैक हो गया, कोई दौड़ रहा था उसको हार्ट अटैक हो गया, कोई स्विमिंग पूल में कूदा और वहीं से वापस आए नहीं, वहीं मर गया। जो योग करेगा वो 100 साल से पहले नहीं मरेगा। इतना बड़ा फायदा है, बताओ। श्वास बाहर छोड़ो, सब सीधे बैठो, एक मिनट लगातार करो, फिर धीरे धीरे इसको पांच मिनट बच्चों को और बड़ों को तो 10-15 मिनट करना है। आजकल भीड़ लगी हुई है हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों के पास ना, हमें इन ड्रग माफियाओं, मेडिकल माफियाओं से, इनकी लूट खसोट से बचना है। बच्चों को एक सेकंड में दो बार करना है ऐसे, ये एक सेकंड में दो बार वाली स्पीड थी जो अभी मैं कर रहा था ये। और माँ बाप को, माँ बाप तो एक सेकंड में एक बार वाला ही कर लेना ऐसे, देखो पूरा प्रेशर, पूरी फोर्स श्वास को बाहर छोड़ने में, अंदर सहज रूप से जाएगा। तो ये हो गया कपाल भाति। क्या नाम हुआ प्राणायाम का बोलो? कपाल भाति। कपाल भाति। दो बीमारियां और ज्यादा हो रही है, डेफिशिएंसीज, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के शरीर में जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी हो जाती है, इसको कुपोषण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोलो? कुपोषण। 80% लोगों को विटामिन डी, 50% लोगों को B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी है। 50-80% लोगों को डेफिशिएंसी, कुपोषण है, कुपोषण। जो कपाल भाति करेंगे वो कुपोषण के शिकार और बीमार नहीं होंगे। हाँ, फिर धूप में भी एक घंटा जरूर रोज बैठना चाहिए, प्रकृति के साथ जीना चाहिए,
और जो जिसके लिए निर्धारित आहार है उसको वही खाना चाहिए। आपने कभी किसी हिरण को और हाथी को मांसाहार करते देखा? नहीं। कभी किसी घोड़े को घास के अलावा बकरा मुर्गा अंडा खाते देखा? नहीं। तो ऐसा कहते हैं घोड़ा शाकाहारी है और क्या खाता है? घास। सबको पता है घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। और अनाजों में सबसे प्रिय उसको चना होता है, घास और चना। और फिर घास और चना खा करके दनादन दौड़ता है। और कोई पावर, किसी की पावर मापनी हो मोटर की, तो कोई बोलते हैं कितने पावर हाउस की मोटर है। और उसको शाकाहारी बनाया परमात्मा ने। अच्छा, बस शाकाहारी मांसाहारी जीव कैसे होते हैं? एक तो जितने भी मांसाहारी जीव है, जैसे कुत्ता है, शेर है, ठीक है, ये सब किससे पानी पीते हैं? जीभ से लपालप करके से, ऐसे। और हाथी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, वो मुंह से पानी पीते हैं जैसे हम लोग पीते हैं। आप लोग जीभ से पानी पीते हो क्या? ऐसे लपलप करके ऐसे नहीं पीते। इसका मतलब हम मांसाहारी स्वभाव से हम शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं। बाय नेचर वी आर वेजिटेरियंस। स्वभाव से हम क्या हैं? शाकाहारी। दूसरा, मांसाहारियों के दो दांत निकले रहते हैं मांस को नोचने के लिए। और मांसाहारी जीव कोई भी मांस पका करके नहीं खाते। शेर हो, कुत्ता हो, मांस कैसा खाते हैं? कच्चा। कच्चा। और तुम मांस कच्चा खा के जिंदा रह सकते हो? नहीं। इसका मतलब मांस हमारा भोजन नहीं है। और शाकाहार खा करके बीमार भी नहीं पड़ते। जो बीमारी अंडे में होती है, जो बीमारी मुर्गी में होती है, गाय भैंसों में कई बार बीमारी आ जाती है, उसके शिकार हम भी हो जाते हैं। अगली बात, मांसाहार से ना क्रूरता तो बढ़ती है, इसलिए हमें शाकाहारी होना है। क्या होना है बोलो? शाकाहारी। शाकाहार हमारा मूल स्वभाव है। वेजिटेरियन इज अवर बेसिक नेचर। बाय नेचर वी आर वेजिटेरियंस। तो ये करना और शरीर ऐसा मजबूत रहेगा, कभी आप बीमार नहीं होंगे, कभी किसी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दवा खाना किसी को अच्छा लगता है? दवाई में एक तो बदबू, और एलोपैथी की दवाओं में तो इतनी सड़ांद आती है, इतना खा लेना कोई दवा तो उसके पसीने से भी बदबू, मलमूत्र से भी बदबू, मुंह से श्वास से भी बदबू आती है। इसलिए दवा खाना हमारी नेचर नहीं है। तो देखो, एक तो कपाल भाती करना, फिर इसके बाद हो जाए तो ये बाह्य प्राणायाम, ये तो बहुत जबरदस्त है। देखो ऐसे, सांस को बाहर छोड़ दिया, थोड़ी को कंठकोप में लगाया, जार अंदर मत, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाया, उड़ियान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखा, मूल बंद, तीन बंद के साथ सांस को भरो, सांस को छोड़ो। ये बाह्य प्राणायाम है। क्या नाम है इसका बोलो? फिर उज्जाई, ये गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अंदर भरते इसमें आवाज करना है, फिर थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। ये उज्जाई गले के लिए, थायराइड के लिए, टोनसिल के लिए, बहुत बच्चों का गला खराब रहता है, बहुत ये उसके लिए अच्छा है। चलो, फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है भस्त्रिका कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम। क्या नाम है बच्चों? अनुलोम विलोम। दाएं हाथ उठाओ सभी, दाएं नाक बंद करो अंगूठे से, और ये वायु मुद्रा है, पहले उंगली को अंगूठे के मूल में लगा लो, बाएं से सांस लेना, दाएं से छोड़ दो। सब बच्चे एक साथ करेंगे, लगभग 1650
1640 बच्चे हैं, सब एक साथ करो, माँ बाप भी करो, घर में बच्चों को, माता पिता को, सबको ये करना चाहिए। इससे कभी भी बीपी नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, मन अशांत नहीं होगा, मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण दोष, दुर्बलताएं ये हमें गिराती है। बाएं से सांस को लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, सब करो। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए बच्चों, लगातार 5 मिनट करना है। और जब लगातार ऐसे करते हैं तो मन शांत हो जाता है और अंदर से आनंद आता है, मस्ती आती है। तो चलो 5 मिनट लगातार करो। ए बच्चों, हाथ नीचे आ गया आपका। तो अभी मैं सभी को देख रहा हूं, और मैं नहीं देख रहा हूं तो मेरी भी आंखें चारों तरफ देख रही हैं, और भगवान हम सबको देख रहे हैं। ये योग विद्या बहुत बड़ी विद्या है, इसी से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। नहीं तो आदमी बहुत उल्टे पुल्टे काम करता है, उल्टा पुल्टा देखता है, उल्टा पुल्टा सुनता है, उल्टा पुल्टा ही खाता है, बोलता है, जीता है, करता है। उसको सही रास्ते लाना है तो योग आदमी को सही मार्ग पर लेकर के आता है। और संभल जाता है, एक भजन गा लो बच्चों, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। सब हमारे महापुरुष क्या चाहते थे, हम अच्छे बने, सच्चे बने, हमारे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में पवित्रता हो, दिव्यता हो। चलो सब अनुलोम विलोम करें, माता पिता भी करें, बीच में रुकना नहीं है किसी को। लगातार करें सब, आदत पड़नी चाहिए 5 मिनट लगातार करने की, इससे मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। लेफ्ट नोस्टिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्टिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है। हम अपने ब्रेन का मुश्किल से 1-5% प्रयोग करते हैं, 95-99% हमारा ब्रेन साइलेंट होता है। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, हर चीज में अग्नि, लकड़ी में अग्नि होती है, जब अभी हवन कर रहे हैं ना तो सुविधा की अग्नि उद्बुद्ध हो जाती है, ऐसे हमारे भीतर ज्ञान की अग्नि, संवेदनाओं की अग्नि, भीतर का सामर्थ्य जाग जाता है। लगातार करो, अनुलोम विलोम करो।